सेवा ढाब नवनिर्मित बजरंग बली मंदिर परिसर में 9 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह श्री श्री 108 सतचंडी महायज्ञ का प्रारंभ। तीसरी प्रखंड अंतर्गत सेवा ढाब नवनिर्मित बजरंग बली मंदिर परिसर में बुधवार को 9 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह श्री श्री 108 सतचंडी महायज्ञ को लेकर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। पूर्व आईजी सह भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। 251 महिलाओं और युवतियों ने माथे पर कलश लेकर सेवा ढाब मंदिर परिसर से निकलकर मुख्य मार्ग से सेवा ढाब सहित किसुटाण, बेंगचूरो आदि गांवों का भ्रमण करते हुए किसुटाण नदी तट पर पहुंची। फिर पूजा करने के उपरांत कलश में जल भरकर पुनः सेवा ढाब गांव होते हुए बजरंग बली मंदिर स्थित यज्ञ स्थल के पास सभी श्रद्धालु पहुंचे। यज्ञ स्थल पहुंचकर महिलाओं और युवतियों द्वारा यज्ञ स्थल की परिक्रमा की गई। फिर पूरे विधि विधान से पुजारियों द्वारा कलश की स्थापना की गई। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बताया गया कि अयोध्या से आए कथावाचकों द्वारा चंडी पाठ व पूजन कार्य किया जाएगा। वहीं अयोध्या से आई कथावाचिका मानस किंकरी मिथिलेश्वरी शास्त्री और कथावाचक दिगंबर शास्त्री जी महाराज द्वारा हर दिन शाम 7 बजे रामचरितमानस व प्रवचन तथा आकर्षक झांकी का कार्यक्रम किया जाएगा। 22 फरवरी को दिन में श्री हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। 23 फरवरी को हवन व पूर्णाहुति के साथ ही महायज्ञ का समापन हो जाएगा। इसके बाद 23 फरवरी की रात को भक्ति जागरण का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कलश यात्रा में रामचंद्र यादव, वीरेंद्र राय, रामेश्वर यादव, तूफानी राय, उपेंद्र राय सहित भारी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। कलश यात्रा को सफल बनाने में नवयुवक समिति और यज्ञ समिति में शामिल लोग सहित क्षेत्र के अन्य लोगों ने अहम भूमिका निभाई। ऐसे आपदा सी नहीं, दो लाइन में धीरे धीरे कतार बंद कर।